गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। हिंदी में आज हम पाठ 11 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है क्रिया विशेषण एडवर्ब। देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, कुत्ता ऊपर बैठा है। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में धीरे धीरे, सुबह और ऊपर शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, इन शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण इंग्लिश में आप एडवर्ब कहते हैं। कोई काम कैसे हुआ होता है उसका जवाब मिलता है। ठीक है, आइए क्रिया विशेषण के भेद काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने वाले समय का बोध होता है, कोई काम किस समय हुआ है ये पता चलता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे तुम आना क्रिया है ना, कल आना आ जाना, तो कल क्या हुआ, काल। आज मौसम साफ होगा, आज। गाड़ी अभी आई, अभी। ये सब क्या है, ये सब काल समय बता रहे हैं। गाड़ी आ गई, कब आई, अभी आई। ठीक है, और आना, कब आना, कल आना। साफ होगा, मौसम साफ होगा, कब, आज। ये सब क्या है, ये काल समय बता रहे हैं। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण, आइए स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ प्लेस, जिन क्रिया शब्दों से क्रिया के होने का स्थान पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे इधर कौन छुपा है, इधर सुधा बाजार गई, और बाहर कोई खड़ा है, बाहर। स्थान पता चल गया ना। ठीक है, अब रीति क्रियावाचक विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर, जिन क्रिया शब्दों से क्रिया के करने की रीति का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे जल्दी काम करने से काम बिगड़ जाता है, खरगोश तेज भागता है, खरगोश नहीं होगा, तेज होगा, बच्चा अचानक गिर गया, अचानक। ये सब क्या है, ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर रीति क्रियावाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो क्रिया विशेषण शब्द के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाण क्रियावाचक शब्द कहा जाता है। जैसे जितना कहो सच कहो, परिमाण है ना जितना, तनिक ठहर जाओ, तनिक। दीप्ति बहुत बोलती है, बहुत। इस पाठ में क्या क्या पढ़ा हम लोग ने, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। जिस क्रिया के होने से उसका पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आओ अब अभ्यास करें। अभ्यास में क्या क्या है देखते हैं, प्रश्न उत्तर अभी मैं बताऊंगी कौन से का। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द को छाट के लिखिए। आप कहाँ गए थे, कहाँ क्या होगा स्थानवाचक, सीता चुपचाप बैठी है चुपचाप रीतिवाचक, मैं अभी आया कालवाचक, कम बोला करो कम परिमाण, यहाँ परिणाम लिखा है इसको आप परिमाण कर दीजिएगा।
ठीक है, परिमाण विशाल, प्रतिदिन प्रतिदिन परिमाण, रोहित ऊपर बैठे हो ऊपर, स्थान वाचक। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। ये वाक्य प्रयोग कर दिया। ठीक है, इसको सब बच्चे अपनी बुक में करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये ठीक है। अब कॉपी वर्क में आपको क्या करना है, मैं हाइड कर रही हूँ, आप अपना वर्क देख लीजिएगा। ये सब प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में उतारने हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा हिंदी का पार्ट 11 समाप्त होता है। ओके चिल्ड्रन, गुड डे एंड कंप्लीट योर वर्क।